नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल 2020 की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, आईपीएल 2020 की शुरुआत अब 15 अप्रैल तक के लिए टल चुकी है, जहां पर दोस्तों हम लगातार आपको कोरोना वायरस और इसके आईपीएल 2020 पर पड़ने वाले इफेक्ट को लेकर हर अपडेट जो है वो लगातार दे रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जहां पर हम बात करेंगे आरसीबी के लिए उस खुशखबरी की जो कि उनके लिए आईपीएल 2020 के पोस्टपोन होने के बाद आई है। हालांकि दोस्तों, ये खुशखबरी सभी टीम्स के लिए है, लेकिन इस वीडियो में हम आरसीबी की ही बात करेंगे। तो गाइज, जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, और जो ऑलरेडी चैनल पर हैं वो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर अब तक 80 से ज़्यादा केस कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, और इसी वजह से जिसकी बीसीसीआई और सभी फ्रेंचाइज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जहां पर तीन स्टेट की गवर्नमेंट ने तो इस बार आईपीएल ऑर्गेनाइज करने से ही मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली सरकारें शामिल थी। और इसी वजह से दोस्तों 13 मार्च को बीसीसीआई ने एक अहम फैसला लिया, जिसमें उन्होंने 15 अप्रैल तक के लिए आईपीएल 2020 को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया है। और दोस्तों, ये फैसला सभी फ्रेंचाइज के साथ साथ आरसीबी के भी फेवर में हुआ है, क्योंकि जो खुशखबरी आई है वो आई है इनके फॉरेन प्लेयर्स को लेकर। आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन प्लेयर्स के वीजा जो है कैंसिल कर दिए थे, जिसमें डेविड वार्नर का वीजा तो रिजेक्ट भी हो चुका। तो अगर आईपीएल 29 मार्च से ही स्टार्ट होता तो फिर विदेशी खिलाड़ी इसमें, जिसमें एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, क्रिस मॉरिस, सुरू डारन और एरोन फिंच जैसे खिलाड़ी शामिल थे, वो यहां पर 15 अप्रैल तक के लिए अवेलेबल नहीं होते। और दोस्तों, 15 अप्रैल तक के लिए तक आरसीबी के आधे मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते, तो इसी वजह से बीसीसीआई ने सभी टीम्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया, जो कि आरसीबी के भी फेवर में हुआ है। क्योंकि दोस्तों, अब 15 अप्रैल से आईपीएल 2020 के शुरू होने की संभावनाएं हैं। हालांकि फाइनल कॉल आज गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में ली जाएगी, जिसकी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब और बेल की घंटी को ऑन रखिएगा। तो 15 अप्रैल से आईपीएल 2020 के शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसे में विदेशी खिलाड़ी और सारे विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2020 के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि इस बीच किसी भी नेशन की कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आईपीएल 29 मार्च से शुरू होता तो फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी शुरुआती मैचेस में अवेलेबल नहीं होते, जिसमें एरोन फिंच, केन रिचर्डसन जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों, अब जब आईपीएल पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आरसीबी की तरफ से पूरी मजबूत टीम हमें खेलती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा दोस्तों, जो शेड्यूल है वो भी यहां पर जल्दी बीसीसीआई अनाउंस करेगी, और ये शेड्यूल जो है वो नया शेड्यूल आएगा, जहां पर हमें दोस्तों पिछले शेड्यूल में तो हमें डबल हेडर मुकाबले केवल संडे को ही देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों अब हमें जो नया शेड्यूल आएगा उसमें डबल हेडर्स मुकाबले जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहां पर सैटरडे और संडे ये भी हमें डबल हेडर्स मिलने वाले हैं। तो गाइस, देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई आज क्या कॉल लेती है, फाइनल कॉल क्या होगी। और ओवरऑल दोस्तों, आरसीबी के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, और सभी टीम्स के लिए इवन ये अच्छी खबर है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स तो सभी टीम्स के हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने क्योंकि आरसीबी की बात की, तो आरसीबी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि दोस्तों, अब क्या कुछ फैसला आज गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में बीसीसीआई लेती है, इसकी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से दबा लें, ताकि कोरोना से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है वो यहाँ पर आप मिस ना करें। धन्यवाद।